बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमने सिक्स्थ की मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4A भी कंप्लीट हो गई थी और एक्सरसाइज 4B के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। आगे हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर फाइंड करना है बिटवीन 200 एंड 500 के बिटवीन हमने क्या करना है, लोएस्ट नंबर फाइंड करना है जो क्या हो, विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। ठीक है, 200 और 500 के बिटवीन लोएस्ट नंबर फाइंड करना है, विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, उसका रिमाइंडर 3 आना चाहिए। इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 10, 12 एंड 30। ठीक है, 200 और 500 के बीच में हमने वो लोएस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 8 से डिवाइड करें, 10 से करें, 12 से करें एंड 30 से करें, यानी इन 4 नंबर से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 10, 12 और एंड 30 का क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं, बाय कॉमन मल्टीपल मेथड से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 10, 12 एंड 30। इनका हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 1 2 2 5 10 2 2 4 2 3 6 5 as it is आ गया, 15 भी as it is आ गया क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 1 2 ये तीनों as it is आ गए, 3 1 3 ये 5 भी as it is आ गया, 15 भी as it is आ गया, 5 1 5 5 1 5। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 120। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 120 क्या होते हैं, 120 250 360 280 500। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 200 और 500 की रेंज में रहना है, 200 और 500 की रेंज में जो सबसे कम लेस वैल्यू है मल्टीपल ऑफ 120 की वो क्या है, 240, क्योंकि ये इस रेंज में आ रही है सबसे लेस है। ठीक है, 240। ठीक है, अब ये हमने ले लिया 240 है, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, उन्होंने क्या है कि उसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 3 आना चाहिए जब उसको उस नंबर से डिवाइड किया जाए। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, रिमाइंडर 3 आना चाहिए तो इसमें प्लस 3 कर देंगे तो 243 आ गए। अब 243 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा, अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 3 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे फिर भी रिमाइंडर 3 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे फिर भी हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 एंड 27 लीव्स एज रिमाइंडर 8, 11, 14 एंड 23। हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है विच वन डिवाइडेड बाय, अगर जब उसको 12, 15, 18 एंड 27 से डिवाइड, यानी 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 8 आए, अगर उसको 15 से डिवाइड करें रिमाइंडर 11 आए, 18 से डिवाइड करें उस नंबर को हमारा रिमाइंडर 14 आना चाहिए, 27 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 23 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एलसीएम को फाइंड कर लेंगे, 12, 15, 18 एंड 27 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे बाय डिवीजन मेथड। इस तरह हमने एलसीएम फाइंड कर लिया इसका, हमारा एलसीएम क्या आ गया, 540। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर गिव्स, यानी जो उनके डिवाइजर्स हैं और उनके एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग और डिवाइजर और उनके रिमाइंडर के बिटवीन जो डिफरेंस है, 12 माइनस 8, मतलब ये 12 था, 12 में से 8 माइनस कर लिया, 15 है तो 15 में से 11 माइनस करेंगे, 18 में से 14 माइनस करेंगे, 27 में से 23 माइनस करेंगे, तो हमारा ईच केस में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया और इधर भी
फोर आ गए, यानी इस केस में हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, फोर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जो 540 है उसमें से क्या कर देंगे, यानी एलसीएम जो है हमारा उसमें से उसको में से फोर को माइनस कर देंगे, 540 में से फोर को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 536। अब जो हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर आया ये क्या है, 536। इसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 8 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 11 आएगा, 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 14 आएगा, 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 23। इस तरह हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो आया वो ठीक है या गलत। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स विच वन डिवाइडेड बाय 40 50 एंड 60 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है फोर डिजिट, इन फोर डिजिट स्मॉल नंबर फाइंड करना है विच वन डिवाइडेड बाय, जब उसको 40 50 एंड 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, बाय डिवीजन मेथड हमने ये एलसीएम फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आ गया है 600। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है, 1000। ठीक है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है, 1000। ठीक है, अब 1000 को क्या करेंगे, 600 से डिवाइड करेंगे, 600 को माइनस किया 400 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 1000 है प्लस कर देंगे 600, ये जो 600 है माइनस 400, 600 माइनस 400 क्या हो जाएगा, 200 को आपस में प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो 1200 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यानी उन्होंने कहा था कि रिमाइंडर ईच केस में क्या आना चाहिए, 5, तो इसमें हमने क्या कर दिया है, 5 को ऐड कर दिए, तो हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर आ गया 1205। ठीक है, अब इसको अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर भी 5 आएगा, अगर 50 से डिवाइड करेंगे इसको रिमाइंडर हमारा 5 आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया, जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट पे किया था, रिक्वायर्ड नंबर में जो रिमाइंडर था इस केस में 3 था तो 3 ऐड कर दिया था, अब इसमें इस केस में रिमाइंडर क्या है, 5, तो इसमें 5 को ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 30 एंड 40 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 20 25 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है, जब उसको 25 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 20, 30 से डिवाइड करें रिमाइंडर 25 आना चाहिए, 40 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 35 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया है, एलसीएम फाइंड कर लिया, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 600। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 99999, ये क्या होता है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम जो हमारा 600 आया उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इधर लास्ट में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 399। अब इसमें हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो इसमें इसलिए क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसमें से ये जो रिमाइंडर है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 99600। अब लास्ट पे उन्होंने कहा था इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इसमें से क्या कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, 40 से डिवाइड करेंगे फिर भी हमारा रिमाइंडर 5 आएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर डैट मस्ट बी एडिड टू 2000 सो डैट द सम इज डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 10, 12, 16 एंड 18। लोएस्ट नंबर फाइंड करना है विच मस्ट बी एडिड, जब उसको 2000 में ऐड करें सो डैट द सम इज, तो सम क्या हो जाए होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी 10 से डिविजिबल होना चाहिए उसको, 12 से होना चाहिए, 16 से होना चाहिए, 18 से होना चाहिए, मतलब
उसको अगर हम 2000 में ऐड करें जो स्मॉलेस्ट लोएस्ट नंबर है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, ज़ीरो, अगर जब उनको इन चारों से डिवाइड करें। ठीक है, इसका भी हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 10, 12, 16 एंड 18 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमने एलसीएम फाइंड कर लिया तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 720। ठीक है, अब 2000 को 720 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इधर 560। तो क्या करेंगे, 720 में से 560 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 160। ठीक है, अब ये हमारे पास है लोएस्ट नंबर है, जब इसको अगर हम 2000 में ऐड करेंगे तो 2160 हो जाएगा, जो हमारा अगर इसमें अगर हम 160 को ऐड करेंगे तो उसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, 12 से करेंगे, 16 से करेंगे एंड 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, ज़ीरो। तो हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 160। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे।